हेलो दोस्तों, आप सभी का धारिन क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास में हम एफसीआई वॉचमैन 2021 के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और यह प्रैक्टिस सेट 2 रहेगा। इस प्रैक्टिस सेट में हम जितने भी प्रश्न देखेंगे, यह सभी प्रश्न एफसीआई वॉचमैन एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 5392 × 4683 × 2537 में इकाई का अंक क्या होगा, यह हमें बताना है। यहाँ पर हमें इकाई का अंक बताना है। तो जब भी इकाई का अंक प्रश्न पूछे तो हमें क्या करना होगा, या जो संख्या होगी उसका सिर्फ हमें इकाई का अंक देखना है। तो 5392 में इकाई अंक क्या है, 2 है गुणित। 4683 में इकाई का अंक क्या है, तो 3 है इंटू 2537 में इकाई का अंक कितना है, तो 7 है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम गुणा करेंगे। तो 2 × 3 कितना होता है, 6 होता है। 6 × 7 कितना होगा, तो 42 होगा। तो यहाँ पर 42। अब 42 में इकाई अंक क्या है, तो 2 है। तो यही हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर कितना है, 2 आया। हमें क्या करना होगा, जब भी हमें प्रश्न में इकाई का अंक पूछे तो हमें जो संख्या है सिर्फ उसका इकाई अंक देखना है। अब यहाँ पर इकाई अंक 2 है, यहाँ पर इकाई अंक 3 है और यहाँ पर इकाई अंक 7 है। तो 2 × 3 6 होता है, 6 × 7 42 होता है। तो 42 में इकाई अंक क्या है, 2 है। यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतया विभक्त होती है। यहाँ पर हमें बताना है 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतया विभक्त होती है। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, इस प्रश्न में जो 3428 है इसमें हम सबसे पहले 13 से भाग देंगे। 13 × 26, तो 34 में से 26 जाके तो बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ से 2 लेंगे। अब 13 छक्के क्या होता है, 78 होता है। 82 में से 78 जाएगा तो जगह 4 बचेगा। यहाँ से 8 लेंगे। 13 तिया क्या होता है, 39। तो यहाँ पर हम 39 लिखेंगे। अब 48 में से 39 घटेंगे तो जगह 9 बचेगा। शेषफल कितना बचा, 9 बचा। हमारे पास जो शेषफल बचा कितना बचा, 9 बचा। ये जो शेषफल है, इस शेषफल को यदि हम, जो संख्या हमारे पास है 3428 है, इसमें से यदि हम घटा देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होगी वह संख्या क्या होगी, 13 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा, 9 आएगा। जो शेषफल है वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या करेगी, 2 संख्याएँ 4:5 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम संभाव्यत्वर्थ 180 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, यह हमें बताना है। प्रश्न कह रहा है कि 2 संख्याएं 4:5 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम संभाव्यत्वर्थ 180 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, यह हमें बताना है। हम मान लेते हैं कि संख्या है 4x और 5x है और इनका लघुत्तम संभाव्यत्वर्थ जो प्रश्न में दिया है 180 है। यहाँ पर हम 4x और 5x का यदि हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आएगा, 20x आएगा। कितना आएगा, तो 20x आएगा। और प्रश्न में 20x की वैल्यू दी है 180, तो 20 से आ गई है 9 बार, तो x की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 9 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अब 4x में हम x का मान रखेंगे तो 4 × 9 कितना होगा, तो 36 होगा, 36 हो जाएगा। यहाँ पर जो 5x है इसमें हम यदि x का मान रखते हैं तो 5 × 9 कितना होगा, तो 5 × 9 = 45। अब हमें प्रश्न में क्या पूछा है ये हम देखते हैं, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या क्या होगी, 45 होगी। तो यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि
दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्या क्या है यह बताना है। यहाँ पर हमें दो संख्याओं का अनुपात दिया है 7:11 है। तो हम मान लेते हैं कि संख्याएं 7x और 11x है। अब प्रश्न कह रहे कि इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर, तो हम यहाँ पर 7x में 7 जोड़ देते हैं अपॉन 11x में 7 जोड़ देते हैं। तो 7 जोड़ने पर इनका जो रेशियो जाता है 2:3 हो जाता है। अब हमें करना है 3x गुना करना है। तो 3 7 21x प्लस 3 7 21, 2 का गुना 11x प्लस 7 के साथ होगा तो 2 × 11x कितना होगा तो 22x हो जाएगा। 2 × 7 कितना होगा तो 14 हो जाएगा। अब 21x इधर चल जाएगा तो ये 22x माइनस 21x बराबर 21 माइनस 14। 22x में से 21x जाएगा कितना बचेगा, x बचेगा बराबर 21, जो 21 है 21 में 14 जाएगा कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो x की वैल्यू होगी 7। अब यहाँ से हम 7x और 11x के मान निकाल सकते हैं। तो 7 × 7 कितना होगा तो 49 होगा और 11 × 7 कितना होगा तो 77 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक है 49 और एक है 77। अब इसमें प्रश्न में क्या पूछा, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 49 होगी। यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देते हैं, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या करेगी, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। कुल पूर्णांक कितने थे यह बताना है। हम मान लेते हैं कि कुल पूर्णांक x थे। हमने क्या माना कि कुल पूर्णांक x थे। तो x का यदि वह 40% प्राप्त करता है तो वह क्या हो जाएगा, परीक्षा में पास हो जाएगा। लेकिन उसने 178 अंक प्राप्त किए, कितना अंक प्राप्त किया उसने, 178 अंक, और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उसे 178 और 22 अंक और मिल जाते तो वह क्या हो जाता, पास होता। तो यहाँ पर हम 22 जो अनुत्तीर्ण है इसे हम ऐड कर देंगे, तो ये दोनों क्या होगा, पासिंग मार्क हो गए। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स इंटू 40/100 बराबर 178 प्लस 22 कितना आएगा तो 200 आएगा। 40 से आएगा ये 5 बार, तो एक्स बराबर 100 × 5 कितना होगा तो 500 होगा। तो कुल पूर्णांक कितने थे तो 500 थे। तो हमारा आंसर आएगा 500। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। प्रश्न 6 के कह रहे कि किसी वस्तु के क्रयमूल तथा विक्रयमूल का अनुपात 20:21 है, उस पर लाभ प्रतिशत कितना है यह हमें बताना है। यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है और जो सेलिंग प्राइस है इसका रेशियो दिया है 20:21, तो यहाँ पर आएगा 20/21। अब कॉस्ट प्राइस है 20 और सेलिंग प्राइस है 21। हमने कोई वस्तु 20 में खरीदी है और 21 में बेची है, तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का हुआ। तो हमें यहाँ से क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंट। इसका फार्मूला कहता है P/CP × 100 बराबर, प्रॉफिट है 1, सीपी कितना है तो 20 है इंटू 100। तो 20 से आ गए 5 बार, 1 × 5 कितना का तो 5, तो 5%। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है, 5% आया। यही हमारा आंसर हुआ। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7। प्रश्न 7 के करें कि सोहन किसी कार को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि रोहन इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे यह हमें बताना है। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो सोहन है कार को अकेले 10 दिन में कंप्लीट कर लेता है और रोहन जो है इस कार को 15 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 10 और 15 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आएगा 30 और जो एसएम होता है यह क्या होता है, तो टोटल वर्क होता है। सोहन जो है 30 कार 10 दिन में करता है, तो एक दिन में 3 यूनिट पर डे कार करेगा। सोहन जो है एक दिन में कितना कार करता है, 3 यूनिट पर डे। रोहन जो है 30 कार 15 दिन में करता है, तो एक दिन में 2 यूनिट,
एक दिन में कितना करेगा? तो 2 यूनिट पर डे करेगा। अब वर्क बराबर क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। हमें निकालना है टाइम, टाइम बराबर होगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब प्रश्न में क्या पूछा है? दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो सोहन और रोहन, इन दोनों का कहना है टाइमिंग हमें निकालना है। तो टोटल वर्क है 30 और दोनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 3 और 2 5, तो 5 से आएगा 6 बार, तो 6 दिन। तो सोहन और रोहन मिलकर इस कार्य को 6 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो हमारा जो आंसर आ कितना आएगा? तो 6 दिन आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देते हैं, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या कह रहे कि एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है यह हमें बताना है। यहाँ पर हमें रेलगाड़ी की स्पीड बताना है। तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ पर जो जो हम डिस्टेंस लेंगे सिर्फ किसका लेंगे? रेलगाड़ी की लंबाई के लेंगे। यहाँ पर जो सिग्नल के खंभा जो रहेगा उसका हम जो है डिस्टेंस नहीं लेंगे। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी? 250 मीटर, और जो टाइम है कितना है? 15 सेकंड है। ये किस में? मीटर प्रति सेकंड में। इसे हमें किस में बताना है? किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है। तो इसके लिए हमें 18/5 से गुना करेंगे। तो यह 3 से आएगा 5 बार, 3 से आएगा 6 बार, 5 से आएगा ये 55 25 50 बार, 5 से आएगा ये 10 बार। तो 10 × 6 कितना होगा? तो 60। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो जो रेलगाड़ी की चाल होगी कितनी होगी? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाएगी? साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाएगी? तो यहाँ पर हम जो प्रिंसिपल है उसे मान लेते हैं एक्स। तो जो अमाउंट हो जाएगा कितना हो जाता है? 12 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो अमाउंट हो जाएगा 2x। अब अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस SI होता है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे? SI निकालेंगे। तो SI बराबर आएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 2x, प्रिंसिपल है x, तो 2x में से x आएगा तो x आएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया x। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P × R × T/100 होता है। SI हमारे पास है x, प्रिंसिपल है x, रेट हमें निकालना है, टाइम हमें दिया 12 वर्ष/100। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आर बराबर कितना है? 100/12। 4 से आएगा 25 बार, 4 से आएगा 3 बार, तो यहाँ 25/3। तो इसे हम क्या लिखेंगे? 3 8 24 और 1/3, तो 8 सही 1/3%। तो रेट कितनी आई? 8 सही 1/3%। तो ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 10। प्रश्न 10 के कह रहे कि एक घन के संपूर्ण पृष्ठ 150 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका आयतन कितना होगा यह हमें बताना है। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। क्या होता है? तो 6a² होता है। अब 6a² बराबर हमें प्रश्न में संपूर्ण पृष्ठ कितना देते? 150 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 150। तो यहाँ से होगा a² बराबर 150/6। 6 से आएगा 6 × 12, 3 बचा, तो 6 × 5 = 30। तो a² बराबर है 25, तो a बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। a कितना है? तो 5 सेंटीमीटर। हमें पूछा आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है? तो a³। ए है 5, तो 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होगा? तो 150 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा आंसर आएगा 125 घन सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है।
तो यह था हमारा FCA वॉचमैन एग्जाम के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 2। इसमें हमने जितने भी प्रश्न देखे यह सभी प्रश्न FCA वॉचमैन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।